brought to you by Techno Camon 30 series. रोटी रोटी मिले या न मिले, पानी तो मिले, पानी तक हम इतने परेशान है, खारा पानी पीने को मजबूर। सरकार कह रही है कि ये गर्मी है, टैंकर जो है वो दो शुरू करे जाएंगे इलाके के अंदर। सर वो आ रहे हैं सर, ऐसी फिलोसफी मार के चले जाते हैं, वोट लेने के बस झांसे देते हैं और पानी नहीं आता, पैसे देने के बावजूद टैंकर नहीं मिला, इतने ब्लैक मार्केटिंग चल रही है जलपुर में। पैसे सलाते 5 रुपए के नहीं आ रहे हैं, 1200 रुपए महीने का लगा रखा है घर के अंदर, 1200 रुपए महीने। विधायक का आदमी 500 आर के दुबे 500 रुपए फिक्स है। ये देखो मेरे पास ये मैसेज कितने डाल रखे हैं, ये मैसेज टैंकर के बारे में, लेकिन ये 500 रुपए देंगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ब्लैक कर बन रहे हैं जो ड्राइवर से लेके हर कोई, जब तक पैसे ही नहीं, अभी यहाँ खड़े हो 5 रुपए दोगे तो क्या नहीं मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सुनो वहाँ भेज रहे हैं संजय राय, राजकुमार, एक मनोज, एक और वो कौन भेजता है वहाँ पर, क्या नाम है उसका, नरेश, ये सारे भ्रष्ट है वहाँ पर। मैं खुद जल बोर्ड में हूँ बट इसमें जनता बार बार ड्यूटी है मेरी, मेरे को मेरे को भी खुद पानी नहीं है, मैं 500 रुपए में खरीद रहा हूँ, मैं बोर्ड के कर्मचारी हूँ, मैं खुद खरीद रहा हूँ। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और उस गर्मी के प्रकोप में राजधानी दिल्ली वाले इस वक्त पानी के क्राइसिस से भी जो है वो जूझ रहे हैं। हम मौजूद हैं पटेल नगर के बलजीत नगर में, आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जल बोर्ड का टैंकर जो है वो यहाँ पर पहुंचा और महिलाओं की जो लाइन है वो पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन महिलाओं का कहना है कि जो टैंकर समय से और दिन में 2 से 3 आने चाहिए इस गर्मी के मौसम में, वहां पर हफ्ते में महीने में एक एक टैंकर जो है वो जल बोर्ड की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है। ये बताइए कितने जल बोर्ड की तरफ से कितने आपको टैंकर सप्लाई कर रहे हैं इस वक्त? हफ्ते में एक आता है, वो भी नहीं आता, 15-15 दिन निकल जाते हैं हफ्ते में एक, और पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पैसे दो तो टैंकर आता है, 400-400 रुपए में टैंकर आ रहा है। हाँ जी, कितनी परेशानी आप लोगों को? सबसे ज्यादा परेशानी है भैया पानी की, हमारे घर में उठाने वाले कोई नहीं है, फिर इतने परेशानी होते हैं बच्चों से पानी, किसी से कैसे, कभी किसको कहते हैं तो उठा के लाकर भी किसको कहते हैं, 500 रुपए दे देते भी टैंकर नहीं लाते, ये हाल है यहाँ पे। आप उठाने की बात करोगे ना, लड़का नहीं लड़की है उठाने के, हमारे चाचा लड़कियाँ सब ससुराल चली गई, कौन उठाए बताओ, घुटनों से चला नहीं जाता है। रोटी रोटी मिले या न मिले, पानी तो मिले, पानी तक हम इतने परेशान है, खारा पानी पीने को मजबूर है। सरकार कह रही है कि ये गर्मी है, टैंकर जो है वो दो शुरू करे जाएंगे इलाके के अंदर। सर बस वो आ रहे हैं सर, ऐसी फिलोसफी मार के चले जाते हैं, वोट लेने के बस झांसे देते हैं और पानी नहीं आता, पैसे देने के बावजूद टैंकर नहीं मिला, इतने ब्लैक मार्केटिंग चल रही है जलपुर में। हाँ जी, पानी क्या कैसे कैसे कहाँ से लाते हैं पानी आप? पैसे ले आते पाँच रुपया खरीद के, पैसे सलाते 5 रुपए के नहीं आ रहे हैं, 1200 रुपए महीने का लगा रखा है घर के अंदर, 1200 रुपए महीने, 1200 रुपए दे रखे हैं, बोरिंग का लगा रखा है वो भी ढंग से नहीं आ रहा है। और भी है फिक्स है भाई, विधायक का आदमी 500 आर के दुबे 500 रुपए फिक्स है। ये देखो मेरे पास ये मैसेज कितने डाल रखे हैं, ये मैसेज क्या है टैंकर के बारे में, लेकिन ये 500 रुपए देंगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो भी लेने जाओगे? आपका कहने का मतलब है कि आप जल बोर्ड के टैंकर को मांगेंगे वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी कार्यक्रम के लिए मांगेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 500 रुपए देंगे तो आएगा, मतलब ये जो आएगा मतलब जल बोर्ड का, जल बोर्ड का पैसे दे रहे हैं पैसे पानी। भैया जल बोर्ड जाते ब्लैक कर बन रहे हैं जो ड्राइवर से लेके हर कोई, जब तक पैसे ही नहीं, अभी यहाँ खड़े हो 5 रुपए दोगे तो क्या नहीं मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सुनो वहाँ भेज रहे हैं संजय राय, राजकुमार, एक मनोज, एक और वो कौन भेजता है वहाँ पर, क्या नाम है उसका, नरेश, ये सारे भ्रष्ट है वहाँ पर। मैं खुद जल बोर्ड में हूँ बट इसमें जनता बार बार ड्यूटी है मेरी, मेरे को मेरे को भी खुद पानी नहीं है, मैं 500 रुपए में खरीद रहा हूँ, मैं बोर्ड के कर्मचारी हूँ, जल बोर्ड के, हाँ मैं खुद खरीद रहा हूँ, उनके पास आते हैं वो कह रहे जी पैसे दो मिल जाएगा। दिखाओ मत, मैं देखो कैसे पैसे जाएंगे, कैसे पानी मिलेगा और किस तरह मिलेगा। विधायक के पास दिखा दूं कितनी मेरे पास है, कितनी दिखा दूं, नहीं मिलेगा विधायक तो है ही नहीं। परमानेंट सोल्यूशन जो नहीं है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक महिलाएं जो है वो कई कई बोतलें जो है वो भर भर करके लेकर के जा रही हैं, और इस गर्मी के क्राइसिस में किस तरीके से राजधानी वाले के जो लोग हैं उनको किस तरीके से पानी के क्राइसिस से जो है वो जूझना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं।
कि आखिरकार सरकार की जो जिम्मेदारी है इन लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए, सरकार दावे बेशक कर रही हो लेकिन पानी की सप्लाई जो है उनके पास जो है वो नहीं हो पा रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं इस तरीके से पानी जो भर भर करके जो है वो अपने घरों तक कई किलोमीटर तक लेकर के जाते हैं और जहाँ पर अपनी गुजर बसर जो है वो फिलहाल कर पाते हैं। आप तस्वीरों के साथ देखिए कि कैसे यहाँ पे जो टैंकर है वो कई कई दिनों तक सप्लाई जो है वो नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है इस भीषण गर्मी के अंदर लोगों को जहाँ पर 2 से 3 टैंकर की जरूरत है वहां पर महीने में हफ्ते में एक एक टैंकर से जो है पानी की सप्लाई जो है वो हो रही है। बलजीत नगर का इलाका है, हर घर के बाहर आपको इस तरीके से पानी के बड़े बड़े टैंकर जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। आप समझ सकते हैं कि किस हालात में यहाँ पर लोग जो है वो अपना गुजर बसर जो है वो फिलहाल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।